नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है गौरव शर्मा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरी कोविड स्टोरी। पता नहीं इस चीज़ को चालू कैसे करूँ, पर आई ट्राई कि जितना भी हो सके मैं आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन बताऊँ कि क्या मैंने फेस किया था, हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज फॉर मी टू फेस दैट थिंग जो मेरे लाइफ में होगा। और मुझे सोच के ही ऐसा वापस से गूज़बम्स आ जाते हैं कि मैं मतलब कैसे बताऊँ, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे वो नहीं समझ रहा। बट आई थिंक विद द वीडियो विद द फ्लो हर एक चीज़ आ ही जाएगी। तो सबसे पहली चीज़, जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, जो भी मेरे फ्रेंड्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे जो काफ़ी क्लोज लोग हैं, प्लीज़ डोंट वरी, टेंशन मत लीजिएगा, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। यस, मुझे लगा कि मेरे चैनल के थ्रू मुझे ये चीज़ ज़रूर बता दीजिए कि कैसी थी, कैसा फील होता है व्हेन यू एक्चुअली आर इन द सिचुएशन। और एक आप जब टीवी पे देखते हो लोगों को भागते हुए या फिर हर एक चीज़ करते हुए, थोड़ी सी बैक स्टोरी पे लेके जाता हूँ। सो मैं इंडिया वापस आया था 24 मई 2020, जब शिप्स वगैरह सब, दुनिया की सारी शिप्स बंद हो गई थी। MSC रॉयल कैरेबियन, गेंटिंग, काफ़ी सारी दूसरी शिप्स भी, हॉलैंड अमेरिका, सब शिप्स बंद हो गई थी। एंड सारा जो भी क्रू है उसको सबको घर पे भेज दिया था। एंड मैंने सोचा था चलो ठीक है, आई है कोई बीमारी हो जाएगा। एंड बहुत फन फैक्ट है, जब मैं शिप पे था, मेरी मम्मी बोलती थी कि अरे बेटा वो करोना करीना क्या है, वो वायरस उससे थोड़ा संभल के रहना। सो मैं बोला अरे कोई नहीं, ये सब तो चलता रहता है, वो फिर मैंने न्यूज़ देखना स्टार्ट किया। न्यूज़ में तो आपको पता ही है क्या हिसाब किताब रहता है। एंड उसके बाद मैं घर पे रहा, 2-3 महीना घर पे रहा। मैं प्रैक्टिस करता था खुद की वोकल्स, डांस वगैरह जो भी है, पढ़ाई करता था खुद की, जस्ट टू इम्प्रूव माई ओन सेल्फ। और फिर मैं आ गया मुंबई, मुंबई आ गया। तो मुंबई में, तो मुंबई में आई थिंक मैं 29 अगस्त के आसपास आया हूँ। और सिचुएशन पता ही है वैसी, लॉकडाउन जैसी, कभी भी लॉकडाउन लग सकता है, ऐसी थी। तो मुंबई आ गया, मेरे फ्रेंड के पास मैं रुका हुआ था, निखिल, आपको देखा ही होगा आपने उसको काफ़ी सारे वीडियोस में। तो ठीक है, हमारा प्राइवेट स्पेस था, खुद का अपार्टमेंट था, एंड कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लाइक हम ज़्यादा नीचे जाते भी नहीं थे, जस्ट थोड़ा टहलने चले गए तो चले गए, बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं था। वो सब हो गया, लाइक एवरीथिंग हैपेंड। एंड बीच में थोड़ा सर्दी टाइप सा लगा था मुझे, मैंने बोला कि ठीक है कोई नहीं। देन चला गया 2 दिन बाद, सर्दी वगैरह जो भी था निकल गया। मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, छोटी मोटी सर्दी तो आती रहती, क्योंकि तब तो बारिश का सीज़न था, सो आई कैन अंडरस्टैंड। एंड फिर अभी क्या हुआ, आई केम बैक फ्रॉम मुंबई टू लाइक माई फैमिली, मेरे पेरेंट्स के पास आया मैं वापस। और पास्ट फ्यू वीक पहले मुझे चक्कर जैसा लगा, लाइक थोड़ा बहुत ऐसा हेडेक टाइप सा होता है ना, ब्लैकआउट टाइप सा। तो मैंने बोला कि ये क्या हिसाब किताब है, मतलब अपन खाना डाइट वगैरह तो सब ठीक ही ले रहे हैं, सो ये क्यों हुआ। मैंने बोला कि चलो कोई नहीं। देन सेकेंड डे मुझे थ्रोट में पेन होना स्टार्ट हुआ, थ्रोट में मतलब यहाँ पे लिटरली ऐसा लगता है कि किसी ने सुई डाल दी हो। सो मैंने बोला ये तो सही बात नहीं है, क्योंकि उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि पानी पीने में प्रॉब्लम आती है, खाना खाने में प्रॉब्लम आती है, काफ़ी सारी चीज़ें। देन थर्ड डे मैं शावर ले रहा था, एंड शावर लेते वक्त मुझे बहुत वीक फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं जस्ट घिर ही जाऊँगा। सो ये अभी कुछ वीक पहले की बात है, मुंबई वगैरह तो चलो मैं पहले की स्टोरी में बता रहा था आपको, बट ये अभी कुछ वीक पहले की बात है। ICMR अप्रूव्ड होना चाहिए, जो भी जहाँ से भी आप टेस्ट ले रहे हो। तो मैं वहाँ गया, मैंने, मेरा सिर वैसे ही दुख रहा था और मतलब थोड़ा तबीयत वाइज भी लो फील कर रहा था। तो मैं गया, मैंने RT-PCR का टेस्ट करवाया। मैंने बोला ठीक है देखते हैं, लेट्स सी क्या हिसाब है। और देखा तो मुझे फ़ोन में मैसेज आया, 5 घंटे में रिपोर्ट आ गई थी, बिकॉज इट वॉज़ प्राइवेट लेबोरेटरी जैसे जो कहते हैं।
तो 5 hours समथिंग में रिपोर्ट आ गई थी एंड मेरे को व्हाट्सएप पे रिपोर्ट आई दैट आई एम कोविड पॉजिटिव. लाइक इतना डर गया था कि कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, बिकॉज मेरे पीछे पूरी फैमिली है मेरी. तो यू नो मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं करूँ क्या. आई वॉज इन अ शॉक कि अब आ तो गया है, अब इससे निपटे कैसे. मुझे जो लोकल अथॉरिटीज़ है, जो गवर्नमेंट वाले जो है, उनका कॉल आया क्योंकि मेरा रजिस्टर्ड नंबर दिया हुआ था मैंने. सो सबसे पहले तो मैंने भगवान के हाथ जोड़े. मैंने बोला हे भगवान प्लीज़ मुझे जल्दी ठीक कर देना. एंड यू नो प्रेयर्स हमेशा काम आती है चाहे कोई भी सिचुएशन हो आपका लाइफ का. और मैंने बोला, उन्होंने कहा कि यू नो आपको सेल्फ आइसोलेट करना पड़ेगा खुद को 14 डेज के लिए. उनके पास जो रिपोर्ट होती है उस हिसाब से उन्होंने डॉक्टर को भेज दिया था, तो डॉक्टर ने फिर मुझे उस हिसाब से दवाई दे दी थी. और फिर चालू हुआ 14 दिन का स्ट्रगल. आई वुड से कि मेरे मैं मुंबई में रहा हूँ. मुंबई में आपको पता ही है इनिशियल स्टेज पर क्या क्या तकलीफें आती है एज अ पर्सन. मैं बाहर शिप्स पे रहा हूँ. शिप्स पे काम करना इज़ लाइक 70-80 आवर्स अ वीक काम करना. लाइक क्योंकि कोई भी ऑफ नहीं होता. फिर इतनी सारी आई थिंक 23-24 कंट्रीज घुमाऊँ. बीच में काफ़ी सारी इश्यूज आए हैं, प्रॉब्लम्स आए हैं, बट यू नो देयर वाज लाइक के चलो हो जाएगा सॉल्व. ये 14 डेज इतने टफ थे मेरी लाइफ के दैट मैं बता नहीं सकता कि उसका इम्पैक्ट मेंटली एंड फिजिकली कितना हुआ है मेरी बॉडी पे. सो फर्स्ट डे आइसोलेशन का यू नो मेरी मॉम मेरा टेक केयर कर रही थी एंड कंप्लीट पूरा मेरा खुद का जो अंदर का रूम है उसमें मैं था. माँ तो मतलब माँ होती है, माँ तो ये कह लीजिए कि भगवान का दूसरा रूप है. सो शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ मी. और फर्स्ट डे गया, सेकेंड डे गया, थर्ड डे गया, ठीक है. गले में इशू आ ही रहा था, दवाई मैं ले ही रहा था. दो तीन दवाइयों के नाम बताता हूँ. पैरासीटामोल थी, फैबी फ्लू करके थी, विच इज़ वेरी गुड. आई थिंक उससे बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है क्योंकि मुझे दवाई फर्स्ट डे पे ही नहीं मिल गई थी. मुझे आई थिंक सेकेंड या थर्ड डे पे मतलब डिलीवर हो गई थी मेरे घर पे. फोर्थ डे से जो हालत खराब होनी स्टार्ट हुई है मेरी, सब जगह से पानी निकला है, मुँह से, नाक से, आँख से. बीइंग इन द एज ग्रुप ऑफ 18-35 कहते हैं कि जो WBC सेल्स होते हैं, जो आई थिंक वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं उसको, वो काफ़ी अच्छे होते हैं यंग लोगों. पर मुझे इतना वीक फील हो रहा था दैट मैं क्या बताऊँ आपको. हर एक मोमेंट ऐसा लगता था कि प्लीज़ जल्दी मैं रिकवर होना चाहूँ, स्टार्ट कर दूँ, जल्दी रिकवर होना स्टार्ट कर दूँ. पर आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द डे कि कब मैं उठ के यू नो आई कैन आई वुड बी एबल टू डू माय वर्क. फिफ्थ डे हालत और खराब, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था मेरे बेड से, खाना नहीं खा रहा था. सिक्स डे इट वॉज वर्स्ट. ऐसा लग रहा था कि मेरे रात को जब सोता था कि अंदर ही अंदर कोई तो जंग चल रही है मेरी बॉडी में. एंड सेवेंथ डे अगेन द सिचुएशन वॉज सेम. तो मतलब दवाइयाँ भी ले रहा था, खांसी भी हो रही थी. खांसी तो ऐसे हो रही थी लाइक कैसे बताऊँ मैं आपको कि इनिशियली खांसी वॉज लाइक खांसी के ठीक है, चलो खांसी हो रही है, खांस ली है, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, मैं जैसे ही खड़ा होता था मुझे ऐसा लगता था कि खांसी रुकेगी ही नहीं, और लगता क्या था रुकती ही नहीं थी. तो मुझे वापस से बेड पे लाई डाउन होना पड़ता था एंड तब जाके थोड़ा मतलब जैसे लंबा ब्रेथ लेते हैं ना, तो थोड़ा फिर मुझे लगा कि नाउ इट्स अ बिट बेटर. तो खांसी रुक नहीं रही थी, तबीयत खराब, मम्मी टेंशन में, फादर टेंशन में, मेरी बहन टेंशन में, मेरे जो कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने बताया था वो टेंशन में. लोकल अथॉरिटीज़ का कॉल आता ही रहता था, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थे एंड वो लोग चेक करते ही रहते थे कि
कैसी है मेरी तबीयत, कैसा चल रहा है एंड क्या कोई इम्प्रूवमेंट है, क्या पेन है. तो विच वॉज वेरी गुड थिंग. और उस हिसाब से दे यूज टू डिसाइड कि मतलब आगे क्या स्टेप या प्रिकॉशन उठा सकते हैं मेरे कोविड के लिए. रात को जब मैं सोता था एंड जैसे ही मतलब नींद नहीं आती थी, 3 बजे तक 4 बजे तक सिर्फ आंखें बंद रहती थी एंड माइंड में थॉट्स चलते रहते थे. सो आई यूज़ टू जस्ट से माई सेल्फ दैट यू नो गौरव, लाइक यू कैन गेट थ्रू दिस. तूने किया है इतना, इतने फ्रॉम 16 and a half years old मैं मेरे घर से बाहर रहा हूँ, तो यू नो तूने तब से काफ़ी चीज़ें फाइट की है, सो यू कैन फाइट दिस एज वेल. बट एवरी वन सपोर्ट, एवरी वन विल. सुबह उठता था हाल सेम एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली फ्रॉम आई थिंक 8th or 9th day सिचुएशन थोड़ी बेटर होने लग गई. मैं बेड से उठने लग गया, थोड़ा मेरे ही रूम में वॉक करने लग गया. गला दुख रहा था बट भूख लग रही थी. लाइक जैसे जो नॉर्मल जूसेस होते हैं, विटामिन सी की टैबलेट्स होती है, मैं वो भी लेना स्टार्ट कर दिया था जस्ट ताकि मेरी बॉडी में एनर्जी का कमी ना रहे. उसके बाद में फ्रॉम 11th and 12th day जो बॉडी ने स्पीड पकड़ी है रिकवरी की, आई फेल्ट लाइक 80% रिकवरी मुझे लग रहा था कि हो गई है. 13th and 14th day ऐसा था कि आई एम डन विद दिस थिंग, मैं हो गया हूँ कंप्लीट रिकवर. आई फेल्ट लाइक वेरी एनर्जेटिक. थोड़ा बहुत मैं वॉक करने लगा, अच्छे से मतलब पुशअप वगैरह थोड़े करने लगा एंड जिससे मतलब बोलते हैं ना ऐसा लगे कि बॉडी एक्टिव है. तो दैट वॉज द थिंग. मुश्किल है, इट्स नॉट ईजी, इट वॉज नेवर ईजी. इससे आप गेट थ्रू कर सकते हैं अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग है. तो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी हेल्प करता है हमको इम्प्रूव होने के लिए, बिकॉज एक पॉइंट पे उसे समझ जाता है कि द बॉडी नीड्स टू रिकवर वेरी फास्ट बिकॉज ही हैज़ टू डू सम अदर थिंग. हार मत मानिए, बिल्कुल भी हार नहीं मानना है हमको इस चीज़ से. अगर आपको लग रहा है कि आप कोविड में पॉजिटिव हो, लग रहा है कि आपको रिपोर्ट आई जाएगी, तो सबसे पहले तो डरो मत. हेल्थ ऑफिशियल्स है आपकी हेल्प करने के लिए. आपके पास इंटरनेट पे काफ़ी रिसोर्सेज है, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं. आप स्टीम लीजिए, मास्क अगर आप चाहिए तो घर पे भी जो सेल्फ आइसोलेट एरिया में है वहाँ पे मास्क पहनिए एंड आई थिंक हो जाएगा. एवरीथिंग विल बी फाइन आपके साथ. अगर आपको इन फ्यूचर, मैं तो चाहूँगा कि भगवान खुदा ना खास्ता मेरे दुश्मन को भी COVID-19 ना हो, बट इन केस अगर अभी हारी बीमारी है, अगर हो गया तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए. और ये वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ. आपको अगर लगा कि ये हेल्पफुल है, इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए. दिस वॉज माई स्टोरी, सो मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, बिकॉज कहीं ना कहीं कोविड की वजह से पैनिक बहुत फैल जाता है. पैनिक मत होइए. सो प्लीज़ डू टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर दिस कॉन्टेंट. थैंक यू.